press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मंगलवार को यह दावा किया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 2008 से 2018 तक हुई व्यापम पीटी डीमेट सहित विवादों में रही अन्य परीक्षाओं की फीस छात्रों को लौटाई जाएगी। ऐसे करीब 15 लाख छात्र हैं। कांग्रेस यह वचन देती है। इसी के साथ तत्काल पेट्रोल डीजल पर लगने वाला वैट भी घटाया जाएगा और इस पर से क्रमशः 5 और 3 रुपए कम किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार को अब तक दाम घटा देने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम करे, वैट घटाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नवंबर अंत तक विधानसभा चुनाव संभावित हैं। कांग्रेस का मुकाबला भाजपा के धन बल से है। मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। 15 साल गुजर जाने के बाद बीजेपी को बहुत सी बातें याद आने लगी हैं। पहले बिजली का बिल ज्यादा वसूला गया, बाद में माफ कर दिया गया। मन साफ होता तो ऐसा नहीं होता। आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जनता खुद आशीर्वाद देती। उन्होंने भाजपा पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए और कहा कि जनता के पैसों का राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है। अधिकारियों को जन आशीर्वाद यात्रा में भीड़ लाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सरकार बिना बजट के प्रावधान के काम कर रही है। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस घोषणा पत्र नहीं वचन पत्र जारी करेगी। इसमें जो भी लिखा होगा उसे पूरा किया जाएगा। इसे किसान, मजदूर, युवा, महिला, समाज, व्यापारी सहित सभी वर्गों की समस्याओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। मैं तो मांग कर रहा हूं कि ये वैट घटाएं डीजल और पेट्रोल पर। कांग्रेस की सरकार बनने से हम 5 रुपए कम करेंगे पेट्रोल और 3 रुपए कम करेंगे डीजल का। पर हम रुके क्यों कांग्रेस की सरकार के लिए? मैं तो शिवराज। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।